स्वारगाट पुलिस ने गत देर रात को गश्त के दौरान राष्ट्रीय उच्च मार्ग 205 चंडीगढ़ मनाली पर बनेर में एक कार से 1 किलो 790 ग्राम चरस बरामद की है। मिली जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी पुलिस थाना स्वारगाट बिरोचन नेगी अपने सहयोगियों के साथ गश्त पर थे। जैसे ही बनेर के पास पहुंचे, वहां पर पहले से खड़ी एक कार में सवार बैठे व्यक्ति पुलिस को देखकर घबरा गए। शक के आधार पर जब उक्त कार की तलाशी ली गई तो कार की डिक्की में से 1 किलो 790 ग्राम चरस बरामद की गई। चरस की यह खेप मलाना से खरीदी गई थी, जिसे सोनीपत हरियाणा ले जाना था। पुलिस ने इस मामले में 4 व्यक्तियों टेकराम पुत्र शेर सिंह निवासी गांव टिकरी तहसील सैंच, बॉबी शर्मा पुत्र मच्छिंद्र शर्मा निवासी गांव शिकारी डाकघर बलान जिला कुल्लू, विकास उर्फ बिक्की पुत्र रविंद्र निवासी गांव गिवाना तहसील गोहाना ब, हितेश पुत्र सतवीर सिंह निवासी गांव रिवाड़ा तहसील गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले की पुष्टि पुलिस थाना प्रभारी पुलिस थाना स्वारगाट बिरोचन नेगी ने की है। गौरतलब है कि स्वारगाट पुलिस ने लगातार तीसरे दिन ड्रग्स का तीसरा मामला पकड़ा है। उसके बारे में कृपया प्रेस को जानकारी को थाना स्वारगाट टीम द्वारा बनेर के नजदीक नाकाबंदी किया था, जो समय करीब रात बजे 9 बजे के करीब बिलासपुर की तरफ से एक गाड़ी HP 49 2697 आई, जिसे चेकिंग हेतु रोका गया। और दौरान चेकिंग इस गाड़ी में जो है दो व्यक्ति जो है बैठे मिले, और इस गाड़ी की चेकिंग के दौरान गाड़ी से 1 किलो 790 ग्राम जो है चरस बरामद हुआ, जिस पर थाने में जो है केस दर्ज हुआ। और इस गाड़ी में जो दो व्यक्ति बैठे थे, चालक और उसके साथ जो बैठे थे, उनके नाम है, चालक का नाम है टेकराम, सन ऑफ श्री शेर सिंह, गांव शिकारी, डाकघर बलान, तहसील सैंज, थाना बुंतर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, वो उम्र 32 वर्ष। उनके साथ जो बैठे थे बॉबी शर्मा, सन ऑफ श्री मच्छिंद्र शर्मा, गाँव तरामली, डाकघर बारी, तहसील थाना व जिला कुल्लू, वो उम्र 28 वर्ष। इसकी तफ्तीश जो है मैं स्वयं ला रहा हूँ। दौरान तफ्तीश जो है इनसे पूछताछ की गई। ये दोनों जो है पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये जो है कुल्लू कसौल से जो है चरस को जो है एज ए कैरियर जो है वहाँ से लेकर जो है इन्होंने हिमाचल बॉर्डर क्रॉस करना था। जो इन दोनों के पूछताछ के आधार पर जो है ये जो जिस व्यक्ति जो इनसे जिन्होंने जो है चरस इनको बेचा था, उनके नज़दीक सड़क किनारे जो है एक जो है DL नंबर की गाड़ी DL8CNA 7974 निशान सनी जो है खड़ी थी, जिसमें दो व्यक्ति बैठे थे। उनमें से एक का नाम है विकास उर्फ विक्की, पुत्र श्री रविंद्र, निवासी गाँव और डागर गिवाना, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत हरियाणा, वह उम्र 23 वर्ष, तथा हितेश पुत्र श्री सतवीर सिंह, निवासी गांव व डागर रिवाड़ा, थाना व तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, व उम्र 31 वर्ष। इन दोनों आरोपीगणों को भी जो है अभियोग में जो है गिरफ्तार किया गया है, तथा इनकी जो गाड़ी जो है उसको भी जो है कब्जा में लिया गया है। चार जो है आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया है, और उनकी दोनों गाड़ियों को कब्जा पुलिस में लिया गया है। आज अभियोग में जो है इस केस में जो है चारों आरोपीगण को जो है कोर्ट पेश किया जाएगा, तथा फर्दर जो है आरोपीगण से पूछताछ पर जिस भी व्यक्ति ने जो है इनको जो है चरस बेचा था इस बारे में, और जिसको भी आगे ये फर्दर जो है सप्लाई करे थे, इस बारे में जो है गहनता से पुलिस छानबीन करेगी, और जो भी इस केस में जो है इन्वॉल्व होंगे उनको जो है तुरंत जो है अरेस्ट किया जाएगा।